नमस्कार, आप જોઈ રહ્યા છો અરવલ્લી સમાચાર અને ફટાફટ ખબરો સાથે હું છું માસુમ। गुजरात राज्य मार्ग वाहन व्यवहार निगम द्वारा चालती एसटी बस में ड्राइवर और कंडक्टर की बे अलग अलग व्यक्ति द्वारा फरज बजावामां आवे छे, परंतु एसटी निगम द्वारा एवी नॉनस्टॉप बस में ड्राइवर और कंडक्टर बने एक ज होय छे। एसटी बस हेवी व्हीकल होवाथी ट्राफिक सहित प्रश्ने आ पद्धति थी समस्या सर्जाती थी। आथी राज्य सरकारे हवे बन्ने पोस्ट ने अलग अलग करी नाखवानो कर्मचारियों ने विकल्प आप्यो छे। एसटी निगम द्वारा एक शहर थी बीजा शहर में नॉनस्टॉप चलती बस में ड्राइवर कंडक्टर की एक ज पोस्ट राखवामां आवती हती। आ पद्धति थी शहरी विस्तार में ट्राफिक की समस्या ने कारण एसटी ना ड्राइविंग में पण तकलीफ पड़ती हती। राजकोट जिल्लाना 8 डेमो में छेल्ला 24 कलाक में नवा नीरनी आवक थई छे, जेमां सौथी वधु आज 3 डेम में 1.2 फूट, आज 2 डेम में 0.95 फूट, तेमज छापरवाड़ी 2 डेम में 0.33 फूट, फोफड़ अने भादर डेम में 0.20 फूट, लालपरी न्यारी 1 तेमज न्यारी 2 डेम में 0.16 फूट नो समावेश थाय छे। आ साथे फोकल ऑफिसर अधीक्षक इजनेर राजकोट सिंचाई वर्तुळ फ्लड सेल तरफ थी जणाव्या अनुसार धोराजी तालुकाना भूखी पासे भादर 2 सिंचाई योजना नंबर 149 भारे वरसाद ने कारणे तेनी पूर्ण सपाटी ओवरफ्लो थता सांजे 7:45 वागे डेमनो एक दरवाजो 2 फूट खोलवामां आव्यो छे, तेमज डेममांथी 5,265 क्यूसेक पाणी छोड़वामां आवता डेमना के नदीना पटमां के कांठाना विस्तारमां अवरजवर नहीं करवा तेमज सावचेत रहेवा सूचना आपवामां आवी छे। धोरण 10-12 बोर्ड की पूरक परीक्षा 10 जुलाई थी शुरू थनार छे। धोरण 12 सामान्य प्रवाह में मात्र एक ज विषय में नापास विद्यार्थियों ज परीक्षा आपी शकशे, जारे धोरण 10-12 में 2 विषय की पूरक परीक्षा लेवाय छे। 5 वर्ष थी बोर्ड ने रजूआतों करवा छता सामान्य प्रवाह में एक ज विषय की परीक्षा लेवाय छे। छेल्ला केटलाय समय थी धोरण 12 सामान्य प्रवाह में एक विषय में नापास होय ते विद्यार्थी ने ज पूरक परीक्षा लेवाय छे। धोरण 12 सामान्य प्रवाह ना शिक्षक विपुल जोशीए कह्युं के धोरण 12 कॉमर्स अने आर्ट्स विद्यार्थियों ने बोर्ड द्वारा अन्याय कराय छे। शहर में सोमवार दिवस दरमियान तड़को रहिया बाद सांजे वातावरण में पलटो आव्यो हतो। सांजे 6 वाग्या बाद वरसादी माहौल सर्जाता 2 डिग्री सुधी पारो घगड़ियो हतो, जेना कारणे दिवस दरमियान बफाराथी अकड़ायेला लोकोने राहत मळी हती। वरसादने कारणे ठेर ठेर पाणी भरावा साथे समा सावली रोड 1 किलोमीटर सुधीनो ट्राफिक जाम पण सर्जायो हतो। सांजना समय वरसाद चालू थता नौकरी धंधाथी परत घरे जई रहेला लोको अटवाया हता। शहर में सोमवार वातावरण साफ रहता गर्मी पारो 35 डिग्री सुधी नोंधायो हतो। 2 दिवस वरसाद न वरसता भेजनु प्रमाण पण घट्यु छे। हवामान विभागे 5 जुलाई सुधी भारे थी मध्यम वरसाद नी संभावना व्यक्त करी छे। अरवली जिल्लाना धनसुराना काशीपुरा धाम खाते गुरु पूर्णिमा महोत्सव उजवायो, जे निमित्ते सदगुरु श्री अयोध्यादास जी महाराज ना आशीर्वाद मेळवा माटे भावी भक्तों मानव मेहरामण उमट्यु हतु, जेमा मंदिरना महंत श्री राधेश्याम महाराज अने तेमना गुरुबंधु श्री जनक दुलारी महाराज तेमज जानकीदास माताना सानिध्यमां दिवस दरमियान गुरुपूजन तेमज भजन अने भोजननो लाभ लीधो हतो। महंत श्री राधेश्यामबाए दरेक समाजना युवानोने व्यसन अने फेशन थी दूर थी धर्मभक्ति साथ आस्था साथ जोड़ाईने सनातन धर्मनो प्रचार करवानो संकल्प करावियो हतो। बरोडा डेरी की सत्ता माटे अंते थयु समाधान, बरोडा डेरी ना प्रमुख उपप्रमुख ने चूंटणी योजाई हती। सांसद रंजनबेन भट्ट, गोर्धन भाई झड़फिया, डभोई ना धारासभ्य शैलेश मेहता तेमज पादरा ना धारासभ्य चैतन्य सिंह चाला, सावली ना धारासभ्य केतन इनामदार, संखेड़ा ना धारासभ्य अभय सिंह तड़वी, वाघोड़िया ना धारासभ्य धर्मेन्द्र सिंह वाघेला, डेरी ना पूर्व चेयरमैन दिनेश पटेल तेमज तेमनी उपस्थिति में चूंटणी योजाई, जेमां नवा प्रमुख तरीके सतीश पटेल अने उपप्रमुख पदे जीबी सोलंकीना नामनी जाहेरात करवामां आवी। लो फेकल्टी में ओछू परिणाम आव्या बाद यूनिवर्सिटीए विद्यार्थीओना हितना नामे करेला निर्णय 2-2 वखत बदली नाखता घणा विद्यार्थी अटवाया छे। एलएलबी सेम 1 अने 2 में एटिकेटी होय तेवा विद्यार्थीओने सेम 3 में प्रवेश आपवाना निर्णय कर्याना 7 दिवस में ज निर्णय रद्द कराता रोष फैलायो छे। आ अंगे फेर विचारणा करवा सेनेट सभ्य भावेश रबारीए कुलपति ने रजूआत करी छे। तेमणे जणाव्युं छे के एलएलबी नुं परिणाम आ वर्षे नीचू आवता नापास विद्यार्थीओ माटे 22 जूने पूरक परीक्षा लेवानो निर्णय करायो छे। बीजा दिवसे यूनिवर्सिटीए आ निर्णय रद्द करीने सेम 1 अने सेम 2 में एटिकेटी होय तेवा विद्यार्थीओने सेम 3 में प्रवेश आपवा माटेनो निर्णय कर्यो। शहेरनी शोभा वधारवा माटे जुदा जुदा विस्तार में 4 रस्ता पर पतंग तेमज आखलो सहित स्कल्पचरल मुकवामां आवी रह्या छे।
उस्मानपुरा चार रस्ता खाते पतंग ने छूट अपावता बाळकनुं जारे पंचवटी चार रस्ता पर आकलानुं स्कल्पचर मुकवामां आव्युं छे। पतंग ने छूट अपावता बाळकना स्टेच्यूनी ऊंचाई 23 फूट छे अने तेनुं वजन 5 टन छे। आकृति रेलवेना पाटा अने 16 एमएना पतरानी प्लेटमांथी बनावामां आव्युं छे। पंचवटी पासेना आकलाना स्टेच्यूनुं वजन 4 टन छे अने ते वोटर ट्रीटमेंटनी वेस्ट पाइपोमांथी बनावामां आव्युं छे। बन्नेमां रंगबेरंगी लाइटो लगावाशे। गुजरात पुलिस की वेबसाइट पर पुलिस कमिश्नरे नक्की करेला ठरावो नियमों नागरिकों माटेनी व्यवस्था अपलोड करवा हाईकोर्टे करेला आदेश नु पालन नहीं थता पुलिस कमिश्नर सामे कंटेप्ट पिटिशन कराई छे। सरकार तरफथी एवी रजूआत कराई हती के वेबसाइट पर एक साथ आटली बधी माहिती अपलोड थई शके तेम नथी। आ दलील सांभळीने हाईकोर्टे सरकार अने पोलिस तंत्र सामे नाराजगी दर्शावी हती। कोर्टे एवी टकोर करी हती के अमारी वेबसाइट पर लाखों चुकादाओ रोजे रोज अपलोड थई रह्या छे अने तमे माहिती पण मूकी शकता नथी। हाईकोर्टे पोलिस कमिश्नर ने कंटेम्प्ट नोटिस फटकारीने जवाब रजू करवा आदेश कर्यो छे। सरकारे सोगंदनामुं कर्युं के पोलिस तंत्र ने लगती तमाम माहिती साइट पर मूकवी शक्य नथी। गुजरात यूनिवर्सिटी की प्रथम वर्ष बीएससी कॉलेजों की बैठकों पर चाली रहे प्रवेश प्रक्रिया में सोमवार 5198 विद्यार्थी फाइनल मेरिट याद जाहिर कर जयरे 4751 विद्यार्थी ने बैठक फाड़वाई है। प्रोविजनल मेरिट याद में शामिल 6000 विद्यार्थियों में आशरे 1800 विद्यार्थियों जुदा जुदा कारणोंसर फाइनल मेरिट याद में समावेश कर विद्यार्थियों ने सैकंड राउंड की प्रवेश कार्यवाही में आवरी ले 4 અને 5 જુલાઈ એમ બે દિવસ ચોઇસ ઓલ્ટરેશન પ્રક્રિયા ચાલશે તે પછી 6 જુલાઈએ ફાઇનલ એલોટમેન્ટ જાહેર કરાશે। ગુજરાત યુનિવર્સિટી સંલગ્ન અમદાવાદ ગાંધીનગરની 28 કોલેજની 8827 બેઠકો પરની પ્રવેશ કાર્યવાહી અંતર્ગત કુલ 7928 વિદ્યાર્થી રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું હતું। બોફર્સની જેમ આર્થિક સંકડામણનો સામનો કરી રહેલી લો કોસ્ટ કેરિયર સ્પાઇસજેટ પાસે એરક્રાફ્ટની અછતથી 10 જુલાઈથી અમદાવાદથી જયપુરની ડેઇલી ફ્લાઇટ બંધ કરશે અને 9 જુલાઈએ ફ્લાઇટની છેલ્લી ઉડાન હશે। જોકે થોડા દિવસ પહેલા જ સમર શેડ્યુલમાં ઓપરેટ કરાતી અમદાવાદ સિલીગુડીની ફ્લાઇટ બંધ કરી દેવાઈ છે। વર્ષ પહેલા સ્પાઇસજેટની અમદાવાદ એરપોર્ટ પરથી 12-13 ફ્લાઇટો ઓપરેટ થતી હવે ધીમે ધીમે બંધ થતા અમદાવાદ એરપોર્ટ પરથી માત્ર એક જ દિલ્હીની ફ્લાઇટ રહેશે। સ્પાઇસજેટની અમદાવાદથી જયપુરની ફ્લાઇટ સવારે 9:25 કલાકે ઉડાન ભરે છે। આ સેક્ટર પર એરલાઇન બોમ્બાર્ડિયર ક્યુ 400 સિરીઝના 78 સીટર એરક્રાફ્ટ ઓપરેટ કરે છે। સૂત્રોએ જણાવ્યું કે સ્પાઇસજેટ એરક્રાફ્ટની અછત અને ચોમાસાની સિઝનમાં વિમાનમાં પેસેન્જરોની સંખ્યા ઘટશે જેથી જયપુરની ફ્લાઇટ બંધ કરાઈ છે। અમદાવાદથી મુંબઈ વચ્ચે હાલ ગુજરાતની પહેલી સેમી હાઈસ્પીડ ટ્રેન વંદે ભારત એક્સપ્રેસ ટ્રેન દોડી રહી છે તેમજ ત્યારે કેન્દ્ર સરકારે ગુજરાતને હવે બીજી વંદે ભારત એક્સપ્રેસ ટ્રેનની ભેટ આપી છે। આ વંદે ભારત એક્સપ્રેસ સાબરમતીથી જોધપુર વચ્ચે દોડશે જેનું લોકાર્પણ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 7 જુલાઈના રોજ વર્ચ્યુઅલી કરશે। આ ટ્રેન સાબરમતીથી જોધપુર વચ્ચે 5 સ્ટેશન ઉપર ઊભી રહેશે જેમાં મહેસાણા પાલનપુર આબુરોડ ફાલના પાલી સ્ટેશને ટ્રેન ઊભી રહેશે। આ ટ્રેન સપ્તાહમાં 6 દિવસ સોમવારથી શનિવાર સુધી દોડશે જ્યારે રવિવારે ટ્રેનનું મેન્ટેનન્સ કરવામાં આવશે। સાબરમતીથી જોધપુર વચ્ચેનું 446 કિલોમીટરનું અંતર પૂર્ણ કરવામાં મેલ એક્સપ્રેસ ટ્રેનોને લગભગ 8 કલાક લાગે છે જ્યારે આ વંદે ભારત એક્સપ્રેસ ટ્રેન 6 કલાકમાં પહોંચાડશે। તેમજ હાલ આ ટ્રેનનું ભાડું નક્કી કરાયું નથી પરંતુ અન્ય વંદે ભારતના ભાડા મુજબ ભાડું 800 થી 1600 રહેવાની શક્યતા છે। તો ફટાફટ ખબરોમાં અત્યારે બસ આટલું જ। વધુ સમાચાર જોવા માટે જોતા રહો અરવલ્લી સમાચાર એટલે તમારો વિસ્તાર તમારી વાત।